धर्मेंद्र 85 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी चर्चा में रहते हैं। 60 और 70 के दशक के सुपरस्टार और मोस्ट गुड लुकिंग हीरो धर्मेंद्र का जादू अब भी उनके फैंस के दिलो दिमाग पर छाया है। धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्में, यादगार गाने, उनका रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी हीरो वाला अवतार लोग भूले नहीं है। फिल्मी पर्दे की खूबसूरत कहानियां तो हैं ही, धर्मपाजी की निजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प रही है। धर्मेंद्र ने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से भी शादी की, जिसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई थी। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी की थी। प्रकाश कौर के ना चाहते हुए भी धर्मेंद्र ने उनकी जिंदगी में सौतन ले आए थे। हालांकि सौतन बनने के बावजूद भी हेमा मालिनी ने कभी प्रकाश कौर के घर में कदम नहीं रखा। दोनों पत्नी से धर्मेंद्र को 6 बच्चे हुए। धर्मेंद्र अपने सभी बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और अपने दोनों परिवार का बखूबी ध्यान भी रखते हैं। हेमा का बंगला भी जुहू में धर्मेंद्र के बंगले से कुछ ही दूरी पर था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना आज भी नहीं, लेकिन धर्मेंद्र दोनों ही बंगलों में अपनी मौजूदगी बराबर बनाए रखते। धर्मेंद्र और हेमा जानते थे कि उनकी जिंदगी शादी के बाद एक आम पति पत्नी की जैसी नहीं रहेगी, लेकिन दुनिया आज भी दाद देती है दोनों परिवारों के बीच अंडरस्टैंडिंग की। खास तौर पर धर्मेंद्र ने जिस तरह दोनों परिवारों में अपनी जिम्मेदारी निभाई। हेमा से शादी के बाद धर्मेंद्र ने अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब के जरिए लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों और सभी बच्चों का भरपूर ध्यान रखा। उनके दोनों ही घर आसपास थे। ये बात अलग है कि कभी हेमा धर्मेंद्र के घर नहीं गए। वो धर्मेंद्र के घर से महज 5 मिनट की दूरी पर रहती है। शादी को 40 साल बीत गए, लेकिन वो उनके घर नहीं गए। वहीं धर्मेंद्र के दोनों परिवार एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाकर रहे। परिवारों में दूरी रही, लेकिन धर्मेंद्र अपने सभी बच्चों के साथ बने रहे। बता दें कि धर्मेंद्र सिर्फ सनी और बॉबी को ही नहीं, बल्कि अपनी दोनों बेटियों विजेता और अजीता को भी खूब प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बेटी विजेता के नाम पर खोली। धर्मेंद्र की बेटियां अब अमेरिका में रहती हैं। बेटों के फिल्मी करियर का भी खूब ख्याल रखा और उनके लिए समय समय पर फिल्में बनाते रहे। धर्मेंद्र ने अपनी बेटियां ईशा और आहना को भी भरपूर प्यार दिया है। दोनों बेटियों की परवरिश में उन्होंने हेमा का पूरा साथ दिया। धर्म और हेमा ने अपनी बेटियों को कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी। धर्मेंद्र के सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और सब अपने अपने घरों में खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।